हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय केवी। सो आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस इज नॉकिंग एट द डोर। 16 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के आखिर तक, शायद 20 अक्टूबर तक चलेगा एसएससी एमटीएस 2017। और आपको ये भी पता होगा कि पहले भी ये एग्ज़ाम इस साल पहले भी होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट कारण, मतलब पेपर लीक हो जाना, ऐसे कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस के लिए वो एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है और उसे ही नया रूप दे के लाया गया है फिर से सितंबर अक्टूबर महीने में। सो कुछ पैटर्न्स चेंज हुए हैं, एग्ज़ाम स्टाइल चेंज हुआ है, एग्ज़ाम का नंबर पैटर्न चेंज हुआ है और टाइम भी चेंज हुआ है, तो सब कुछ चेंज हुआ है। तो चलिए सब कुछ एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चेंज होता है। और ये वीडियो जो मैंने बनाया है, ये आपको हेल्प करेगा हाउ टू स्कोर 65% मार्क्स इन जनरल इंग्लिश सेगमेंट। तो ओनली जनरल इंग्लिश सेगमेंट में आपको 65% मार्क्स, मतलब अराउंड 60 to 18 out of 25 मार्क्स अगर आपको पाना चाहिए, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें फुली डिस्क्राइब किया गया हूँ सारे सिलेबस और सारे नंबर्स के बारे में। सो पहले जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेंबर है वो है, पेपर जो है ये 1 है, ठीक है। इसके बाद पेपर 1 होता है, पेपर 2 होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव है, जो कि 50 मार्क्स का है डिस्क्रिप्टिव पेपर। उसके बाद है ये टेस्ट टाइप है ऑनलाइन, और इसका फुल मार्क्स है 100 और इसका 9 टाइम है 19 मिनट्स। सो चलिए देखते हैं कि क्या है। सो पहले जो है ये पेपर 1 है, आप सभी को पता है कि ये पेपर 1 है, ओके। टेस्ट टाइप जो है, टेस्ट टाइप है ऑनलाइन है। पहले ये ऑफलाइन था और इस बार ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ऑफलाइन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था। हाँ, फुल मार्क्स जो है वो होगा 100, पहले ये था 150, अब ये होगा 100। और जो टाइम है वो है 90 मिनट्स, जो कि पहले 120 मिनट्स था 150 के लिए। 100 नंबर के लिए आपको दिया गया है 90 मिनट्स, जो कि बहुत है और काफ़ी है। अब 100 नंबर आपको पता है कि चारों सेगमेंट में डिवाइड है, ठीक है, वो है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके। सो पहले वाला जो 150 का था, उसका पैटर्न था जीके और इंग्लिश में 50 करके, लेकिन अब जो है चारों सेगमेंट में ही 25 करके आपको दिया गया है। चारों सेगमेंट में ही स्कोर है 25, और ये मतलब ये दूसरे जो एसएसटी है, मतलब एसएससी है, जो सीजीएल और सीएचएसएल, उन्हीं के पैटर्न में किया जा चुका है। और 100 जो है वो चारों 25 में डिवाइड रहेगा, ठीक है। अब जो 90 मिनट्स का जो स्पैन है, उसे इस चार सेगमेंट आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, चलिए वही देख लेते हैं। मान लीजिए मैं मैथ के लिए 25 मिनट्स दे रहा हूँ, ठीक है, 25 मिनट्स दे रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह होता है, मैथ्स में टाइम लगता है। रीजनिंग के लिए भी 25 मिनट्स दे रहा हूँ, जबकि रीजनिंग में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो 25 मिनट्स दे रहा हूँ। अब इंग्लिश के लिए मैं दे रहा हूँ 20 मिनट्स, क्योंकि जीके वगैरह पढ़ने के लिए जो कॉम्प्रिहेंशन है वो पढ़ने में टाइम जाता है। और जीके के लिए भी मैं 20 मिनट्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे अगर करेंगे तो टोटल होगा 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं चारों सेगमेंट्स में। सो ये था इम्पोर्टेंट फैक्ट रिमेंबर। ये है पेपर 1, ये टेस्ट टाइप है ऑनलाइन टाइप, फुल मार्क्स होगा 100 और टाइम होगा 90 मिनट, ठीक है। चलिए अगले में बढ़ते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद है फिल इन द गैप्स, उसके बाद है एरर स्पॉटिंग, उसके बाद है सेंटेंस करेक्शन, उसके बाद है सिनोनिम एंड एंटोनिम, उसके बाद है इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद आखिर में होगा स्पेलिंग एरर, ठीक है। तो ये याद रखना होगा। सो ये है, तो पहले में जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब वही, इससे 5 मार्क्स आता है, वही एक पैरा दिया जाएगा, मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा, और जैसे जो रीडिंग करके आपको उसमें से आए हुए कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। तो उसमें मैं मान लेता हूँ इसमें 4 to 5, अगर 4 to 5 करेंगे तो ये काफ़ी होगा, ठीक है। 4 to 5 अगर आप कर पाए तो ये बिल्कुल, मैं मतलब ये आप सोच ही सकते हैं कि ये एक गुड अटेम्प्ट होगा, ठीक है, ये एक गुड अटेम्प्ट है। अगर 4 to 5 किया जाए तो ये एक गुड अटेम्प्ट है।
उसके बाद होगा फिल इन द बैक्स, मतलब फिल इन द गैप्स और फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब वही जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन या फिर फ्रेजल वर्ब या फिर राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन सारी चीज़ों से मतलब फिल इन द गैप्स दिया जाता है, तो वो उसमें आएगा 2 to 3 marks। ठीक है, तो 2 to 3 marks में यह मैं मान के चलता हूँ कि अगर 3 marks आए तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 3 में आपको बहुत ही आसान होता है, या 3 में आपको 3 मिल जाना चाहिए अगर आप गुड स्टूडेंट हो, या फिर आपका आपका इंग्लिश में थोड़ा अच्छी सी मतलब आप समझते हो, तो आपको 3 में से 3 आना चाहिए। तो 3 में से 3 आएगा तो गुड अटेम्प्ट, अगर 1 2 आएगा तो वो एवरेज अटेम्प्ट होगा। उसके बाद है एरर स्पॉटिंग या फिर एरर करेक्शन, वो आएगा 2 में से 2 3 आएगा, शायद मैं मान के चलता हूँ कि 3 मार्क्स आएगा। ठीक है, तो अगर 3 मार्क्स आएगा तो एरर करेक्शन में मैं मान के लेता हूँ कि आपको 2 मार्क्स मिलना चाहिए, जो कि एक गुड अटेम्प्ट होगा। अगर 3 में से 2 मार्क्स आपको मिले तो वो बिल्कुल एक गुड अटेम्प्ट होगा। हाँ, एरर स्पॉटिंग के लिए आपको कुछ रूल्स जानना पड़ता है, जो कि एरर एरर कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दिए जाते हैं एग्ज़ाम में जो कि एरर बन सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप देखिए मेरा एरर करेक्शन पे बना वीडियोस है, गोल्डन रूल्स ऑफ एरर करेक्शन पार्ट 1 2 3, तीनों पार्ट है, बंगाली और हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ। सो वो देखे देखिए और इसका उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शायद वो वीडियो आपका लिए आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। उसके बाद है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में मैं मान लेता हूँ कि 2 से 3 आएगा, अगर मैं मान ही लेता हूँ कि 3 आएगा, ठीक है, 3 में सेंटेंस करेक्शन में कम से कम दो दो तो आपका आंसर करना ही चाहिए, जो कि एक गुड अटेम्प्ट होगा। ठीक है, गुड अटेम्प्ट होगा 2 का आंसर करना। सेंटेंस करेक्शन मतलब वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर वॉइस चेंज नरेशन, ये इसमें जो करेक्शन होता है उन उन जैसा मतलब उस जैसा करेक्शन आपको दिया जाएगा। तो आप अगर वो बेसिक ग्रामर अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो आपको 3 में से 2 अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको बेसिक ग्रामर पसंद मतलब पता नहीं है तो आप कोई भी बेसिक ग्रामर बुक, इंग्लिश बुक फॉलो कीजिए, उसमें डिटेल्स में सब कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद है सिनोनिम एंटोनिम। आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में ये आता है, सिनोनिम एंटोनिम 3 से 4 आएगा, मुझे लगता है 4 आएगा। ठीक है, 4 2 एंटोनिम 2 सिनोनिम। सो उसमें से अगर आपको दो भी कर पाए तो वो गुड अटेम्प्ट होगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है, इसीलिए अगर आप 2 भी कर पाए तो वो गुड अटेम्प्ट होगा। सिनोनिम एंटोनिम आपको सीधी बात है, आपको रट्टा मारना होता है सिनोनिम एंड एंटोनिम। इसके लिए आपको कोई भी अच्छी सी ग्रामर बुक या फिर कोई भी अच्छी सी इंग्लिश बुक ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका स्टॉक ऑफ वर्ड्स बढ़ता रहेगा और उतना आपका सिनोनिम और एंटोनिम स्ट्रांग होता रहेगा, सिनोनिम और एंटोनिम बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। उसके बाद जो आएगा वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी लगभग 2 3 आता है, मैं मान के लेता हूँ कि 3 आता है। तो 3 अगर आता है तो उसमें से इडियम्स में से 3 में अगर 3 आता है तो उसमें से मेरे ख्याल से 2 अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, जो बहुत ही गुड अटेम्प्ट होगा। और इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आपको आपको ये भी आपको पढ़ना होगा, इंग्लिश बुक्स कहाँ पे मिलते हैं तो वो पढ़िए, उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मिलेगा। या फिर आपको पता होगा कि एसएससी जो है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस, वार्नर सब्स्टिट्यूशन वगैरह रिपीट करता है। ठीक है, तो आप मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, या फिर मेरा कुछ वीडियोस भी है इडियम्स एंड फ्रेजेस में, आप वो भी देख सकते हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन इडियम्स जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स में जो मोस्ट कॉमन इडियम्स है उसमें उन्हें लेके एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो वो आप देखिए, जिसका लिंक उन वीडियो का लिंक आप वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से अगर 3 में से 2 आप अटेंड करें तो बहुत ही गुड अटेम्प्ट होगा। उसके बाद होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है 1 से 2। ठीक है, मैं मान लेता हूँ अगर 2 आता है तो 2 में 2 में 1 1 आंसर करना बहुत ही गुड अटेम्प्ट होगा। ठीक है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रिपीट आता है। ठीक है, तो अगर आपको कॉमन मिल जाए तो आप तो 2 में से 2 ही आंसर दे सकते हैं, अगर आपको अनकॉमन आ जाए तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप मेरे ख्याल से आप एक आंसर अगर आप दे दे तो वो गुड अटेम्प्ट होगा। ठीक है, तो एक आंसर अगर देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा। ठीक है, बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, एक ही बात है इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिस बुक में आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छी तरह से मिल जाएगा वहाँ पर वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बहुत अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा।
ओके सो आप वो देख लीजिए, चेक कीजिए बुक और पढ़ते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। और वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में बना भी मेरा वीडियो है जो कि डिस्कस करता है बहुत सारे कॉमन वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी एग्ज़ाम में बहुत कॉमन है, तो आप वो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट जो पार्ट है वो है स्पेलिंग एरर, ठीक है, चार स्पेलिंग दिया जाएगा जिसमें से तीन रॉन्ग होगा एक राइट होगा। सो इसमें से अगर दो आ जाए तो दो में से मेरे ख्याल से एक तो आपको करना ही है, एक तो आपको करना ही है, ठीक है, तो एक अगर आप कर पाए तो ये बहुत ही गुड अटेम्प्ट होगा। स्पेलिंग एरर कभी कभी क्या होता है कि दो में से दो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो स्पेलिंग्स का ऑप्शन दिया जाता है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ही क्लोज होता है। सो आपको कभी कभी कन्फ्यूज हो जाके मतलब आपको छोड़ना पड़ता है या फिर आपको रॉन्ग आंसर देना पड़ता है, तो इसी वजह से आप मैं पकड़ के चलता हूँ कि दो में से एक अगर आप आंसर दे दे तो वो गुड अटेम्प्ट होगा। सो चलिए अब देखते हैं कि चार अगर पकड़ के चलो, चार या फिर तीन, सात, सात और दो नौ, नौ और दो ग्यारह, ग्यारह और दो तेरह, तेरह और दो या फिर 15, 16, 17, ठीक है, तो 17। सो मैं मान के चलता हूँ कि 15 से 17 out of 25 आपको मिल ही जाएगा अगर आप इस तरह से फॉलो करके चले, ठीक है, 15 to 17 में मिल ही जाएगा आपको 25 में, जिसका मतलब है 15 मतलब है 60 62 68%। तो अगर 60 to 68% आपको सिर्फ इंग्लिश सेगमेंट्स में मिल जाए तो आप ही सोचिए कि ये बहुत ही गुड अटेम्प्ट होगा, ठीक है, आपको पता है कि बहुत ही गुड अटेम्प्ट होगा। और इसकी वजह से मतलब अगर आप ये कर पाए तो ये बहुत ही गुड अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप अगर इस तरह से मेरे सजेशंस को फॉलो कीजिए, इस तरह से मतलब जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे अगर पढ़ते रहेंगे, ऐसे ऐसे फॉलो करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको इंग्लिश सेगमेंट में भी 60 से 68% मार्क्स मिल जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होता है, जीके अगर आपको आता नहीं है या फिर थोड़ा टफ क्वेश्चंस आ जाए तो उसमें थोड़ा छूट मिल सकता है, मतलब उसमें अगर मार्क्स कम भी हो जाए तो इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स से आप मेकअप दे सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश में 65 अराउंड 65% मार्क्स मिल गया तो ये बात तो तय है कि आपका पेपर 1 बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है, और मतलब आपका कट ऑफ तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, और पेपर 2 के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, दैट्स ऑल। सो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक दिस वीडियो, ऑफ कोर्स लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो लाइक आवर फेसबुक पेज, द फेसबुक पेज इज लिंक इज यू कैन बी मतलब आपको मिल सकता है फेसबुक पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपका कोई आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए अपना ओपिनियन और सजेशन, आपका सजेशन मैं रोज़ देखता हूँ ये कमेंट्स वगैरह, और रिप्लाई भी करता हूँ। अगर सजेशन कोई मुझे हेल्पफुल लगता है तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश भी करता हूँ। और सजेशन ये भी दीजिए कि आप अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा टाइप का, या कौन सा सेगमेंट में, या फिर कौन सा इंग्लिश में कौन सा टॉपिक को लेकर आप जो वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे सजेस्ट कीजिए ज़रूर। अगर कोई क्वेश्चन हो समझने में कोई अगर तकलीफ़ हुआ हो तो कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, और से आप फेसबुक पेज में भी कमेंट कर सकते हैं, हमारा जो फेसबुक पेज जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर कीजिए ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ये वीडियो देखने का मौका मिले। और सबसे ज़रूरी बात है सब्सक्राइब टू दिस चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय केवी, और सब्सक्राइब बटन के बाद जो बेल साइन होता है यहाँ पर वो भी क्लिक कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर आप करके रखेंगे तभी तभी आपको मौका मिलेगा, जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई किया जाएगा और आपको मौका मिलेगा वो वीडियो देखने के लिए, ठीक है। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप अप विथ माई चैनल इंग्लिश क्लासेस बाई KB, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।